अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर सिस्टर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे व्लॉग्स डेली देखते होंगे। है अभी है सुबह सवेरे का टाइम और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। हमने जाना है इस्लामाबाद और आप लोग को भी साथ साथ दिखाएंगे और शाम तक हमारी कोशिश है कि हम वापस आ जाएँ, वरना फिर वन नाइट का स्टे करेंगे। हमारा एक काम है, वो जल्दी हो गया तो हम लोग आज ही आ जाएंगे, वरना कल आएंगे। अभी निकलते हैं, रेडी वगैरह हम हो चुके हैं। और रास्ते में हम लोगों का पहले प्लान था कि हम लोग नमाज़ पढ़ें फजर की और निकल जाएं और रास्ते में ब्रेकफास्ट करें, बट आपको पता है कि होटल्स का जो ब्रेकफास्ट होता है वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इसी वजह से अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट वगैरह करो तो फिर रास्ते में तबीयत ख़राब होती है। इसी वजह से हम लोगों ने घर से ही ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और बारिश भी बारिश सही वाली तेज़ वाली लगी हुई है। निकलते हैं, बाकी सारा आपको रास्ते में दिखाएंगे। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से और आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितनी तेज़ बारिश है, और बारिश में मज़ा भी आएगा, इन्जॉय भी करेंगे, लेकिन एक मसला है कि वीडियो सही नहीं बन सकती बारिश में। तो अभी थोड़ी बारिश वगैरह हल्की हुई है और ग्रीनरी आप चेक करो एबटाबाद की। और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं बस रास्ता ही दिखाऊँगी या फिर क्या, तो रास्ता भी दिखाऊँगी, क्योंकि जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ के व्लॉग्स देखते हैं तो हम लोग बड़े शौक़ से देखते हैं कि वहाँ का कंट्री कैसा होगा और जगह कैसी होगी, ग्रीनरी वगैरह ये सब हम देखते हैं। तो इसी तरह जो वहाँ के लोग होते हैं वो यहाँ का हमारा कंट्री भी देखना चाहते हैं। मैंने देखा कि मैंने जब अपने चैनल के एनालिटिक्स वगैरह चेक किए तो मुझे पता चला कि बहुत से लोग हमें फॉरेन कंट्रीज़ से देखते हैं। तो इसी वजह से मैं ये दिखा रही हूँ, और उन लोगों के लिए नहीं बल्कि कुछ लोग दूसरे सिटीज़ में भी हैं कि वो एबटाबाद नहीं घूम सकते, उनका कोई वर्क हो या कोई मतलब इशू हो कि वो ना आ सके, बहुत काम वगैरह हो ऑफिस वगैरह का या फिर कुछ और। तो मैं उनके लिए भी दिखा रही हूँ कि वो घर बैठे इंजॉय कर सके ये सारा वेदर, ये सारी नेचुरल ब्यूटी, ये सीनरी। अभी भी रोड देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बारिश कितनी तेज़ थी, और पहाड़ वगैरह भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस व्लॉग के पीछे मैं सारा वॉइस ओवर ही करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप गाड़ी पर जा रहे हो ठीक है, तो बाहर एयर प्रेशर इतना होता है कि आपके आवाज़ सही से आ नहीं रही होती और हवा की आवाज़ आ रही होती है, तो उस तरह आपको व्लॉग पसंद भी नहीं आएगा और आप स्किप करके देखते जाओगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी जगह है। तो इसी वजह से मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मैं सही से आपको सारी जगह बता सकूँ कि हम अभी किधर है, अभी किधर है। आगे खानपुर डैम भी आने वाला है, जिसने नहीं देखा वो उसको भी मैं दिखाऊंगी, और स्पेशली हम लोग आप लोगों के लिए उस साइड से जा रहे हैं, वरना तो हम मोटरवे से सीधा चले जाते, लेकिन हम लोग खानपुर इंटरचेंज से जाएँगे क्योंकि मैंने आप लोगों को खानपुर डैम दिखाना है। जैसे कि मतलब आप किसी और सिटी में और आपने खानपुर डैम नहीं देखा, तो स्पेशली आप लोगों के लिए मैं दिखा रही हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर और कमेंट भी मस्ट करना। कमेंट तो मस्ट आज की वीडियो में ठीक है, ज़रूर करना। और आई थिंक सो कि आज तक जितने भी मैंने व्लॉग्स बनाए ना, सबसे मेहनत वाला व्लॉग ये था, क्योंकि पूरे रास्ते में मैंने कैमरा ऑन रखा, जहाँ से मुझे लगा कि अच्छी जगह है, कोई मेन जगह है, वहाँ से मैंने उसको ठीक है रखा, मतलब उस वीडियो को सेलेक्ट किया, बाकी सब मैंने छोड़ दी जो कि मैं पूरे रास्ते बनाती रही। आप सोचो कि क्या हाल हो गया होगा, और मेरे घर आकर बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो आप लोगों को चाहिए कि लाइक करो। अभी हम लोग इधर से इधर खड़े हैं ठीक है, मोटरवे पर अभी हम इंटर होने वाले हैं, टोल प्लाजा पर हैं, और मतलब हमारा एम टैग वाला है तो इसी वजह से हम लोगों ने बैलेंस वगैरह करवाना था। और अभी बस हम निकल चुके हैं मोटरवे पर, तो ज़्यादा शोर होता है, इसी वजह से मैंने वॉइस ओवर करने का सोचा। और अब आप मोटरवे का व्यू वगैरह एंजॉय करो, ये सारे पहाड़ वगैरह। अभी भी बारिश है, और मतलब अभी थोड़ी 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 है, और ये जो आपको थोड़ी थोड़ी बबल्स टाइप नज़र आ रहे हैं, ये जो गाड़ी का मिरर वगैरह होता है वहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं। और आज तो मुझे मोटरवे इतना ही अमेजिंग लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी वैसे। और एक और बात कि हम लोग, आप सोच रहे हो कि जा रहे हैं और मैंने कहा कि शाम को आ जाएंगे या फिर कल, तो इसी वजह से हम जल्दी जल्दी आ रहे हैं। मिशाइम के पेपर्स होने वाले हैं, मिशाइम ने प्रिपरेशन भी करनी है। और एक और वजह यह है कि आप लोग सोचते हो कि एक्सप्लोर नहीं किया,
इस्लामाबाद हम लोग फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा हम जा चुके हैं और ज़ू वगैरह भी किए हैं, और डाइनो वैली जब न्यू ओपन हुआ था वहाँ पर भी हम गए थे, और हम किधर गए थे, दामने को वगैरह भी गए थे। ये सारी जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर की हुई है। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कौन सी जगह मतलब पसंद और आप नहीं आ सकते, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे तो मैं आप लोगों को आप लोग के लिए उस जगह पर ज़रूर जाऊँगी, ठीक है, और आप लोगों के लिए स्पेशल व्लॉग बनाऊँगी। वैसे मेरा प्लान था कि हम लोग इस दफ़ा जॉयलैंड जाएँ और व्लॉग बनाएँ। पहले जब हम आते थे ना तो उस वक्त हम लोगों ने व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की हुई थी। अगर व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई होती तो वो मैं आप लोगों को दिखाती, लेकिन अभी आपको पता है कि अभी मैं ज़्यादा व्लॉग्स बनाने लगी हूँ और व्लॉगिंग मेरा पैशन है इसी वजह से, और अभी ये व्यू भी इतने मज़े के हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि ये व्यू भी आपको कैसा लगा है। और एक और आप लोग के लिए न्यूज़ कि मैं बहुत जल्द, मैं आप लोग को बहुत से व्लॉग्स में कहा था कि मैं कमेंट सेशन करूँगी और वो अभी मैं करने वाली हूँ कुछ दिनों में, ठीक है। तो अभी आप लोग के पास टाइम है कि आप लोग कमेंट करो, ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट को भी उसमें डालूँगी, चाहे वो एक इमोजी क्यों ना हो, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो, आपकी एनर्जी लगती है कमेंट में, तो वो मैं डालूँगी, ठीक है, विद नेम। और एक और व्लॉग उसी के साथ बनाऊँगी या फिर उसी में डाल दूँगी कि जो हमारे हेटर्स हैं उन्होंने जो हमें कमेंट्स किए हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, रीडिंग हेट कमेंट्स, ठीक है। और मेरा गला ख़राब हो गया बोल के। तो अभी भी टाइम है, आप लोग जल्दी जल्दी अपना कमेंट टाइप करो, चाहे वो व्लॉग पे हो चाहे वो किसी हमारे शॉर्ट पर हो, शॉर्ट पर हमारे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं वो सारे डालूँगी, ठीक है, विद नेम आपका जाएगा कमेंट और सब आपका कमेंट देखेंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट टाइप करो। सो अभी आगे हानपुर डैम आने वाला है, सो यू गाइज आर रेडी। सो बस अभी जैसे ही हानपुर डैम आता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और आप लोग को बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत अमेजिंग जगह, आपको विज़िट करनी चाहिए, हम भी विज़िट करते बट हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जब भी आएंगे तो हम यहाँ पर आपको सारा दिखाएंगे। और ये मैंने एक शॉर्ट में भी वीडियो अपलोड की थी हानपुर डैम की, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो, उसमें भी मैंने दिखाया था। सो अभी हानपुर डैम आए तो फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। सो ये जो पीछे आपको पानी नज़र आ रही है ये है हानपुर डैम, और यहाँ पर बोट्स वगैरह भी आपको नज़र आ रही हैं, बहुत अमेजिंग व्यू लग रहा है। हम यहाँ पर रुकते बट आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में अभी, तो हम लोग यहाँ पर पहले भी आए थे बहुत दफ़ा और बोट वगैरह पर भी बैठे थे हानपुर डैम में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो जो चाहता है कि हम लोग यहाँ पर आएँ और आप लोगों को सारा दिखाएं। वैसे मैंने आपको दिखा तो दिया है, लेकिन जो जो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर इधर भी विज़िट करेंगे, बोट वगैरह पर भी बैठेंगे और आप लोगों को सारा दिखाएंगे। और अगर आप देखना चाहते हो वैसे भी फुल, तो वो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, अभी नहीं है, वो मैंने बहुत पहले अपलोड की थी हानपुर डैम की, सो वो जाकर आप लोग देखो तो उसमें भी आपको मिल जाएगी। वैसे मैंने अभी आपको पूरी कोशिश तो किया कि दिखाऊं फुल जूम करके, आपको मैंने बोट्स वगैरह भी दिखाई, पानी वगैरह भी, व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। आज बारिश थी इसी वजह से रास्ते में भी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी, मतलब मौसम वगैरह नॉर्मल था, इतनी गर्मी भी नहीं थी और अच्छा मौसम था, वरना तो आपको पता है कि इस्लामाबाद वाली साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमारा तो बुरा हाल हो जाता है गर्मी से। रास्ते में तो वैसे भी अगर आपकी ट्रैवल करें और गर्मी हो तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, वैसे भी मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा ही आता है गर्मी में भी। तो अभी यहाँ पर बहुत मज़े के घर वगैरह भी आए, छोटी झोंपड़ियाँ टाइप बनी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई हैं। और मुझे कॉमेंट में मस्ट बताना कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, और बस अभी आप इंजॉय करो, बाकी जो आगे बताने की जगह होगी वो मैं दिखाऊंगी। अभी भी आप देख सकते हो कि कितने मज़े का ये साइड से व्यू है, नीचे से कोई नहर वगैरह है, ये क्या कि क्या पता नहीं क्या है, मैंने वीडियो बना लिया आप लोगों को भी दिखा दिए। और हानपुर डैम से पहले हानपुर इंटरचेंज आया था वो मुझे बताना याद ही नहीं रहा, अभी हम टेक्सला से जा रहे हैं, ठीक है। अभी बस ये पहाड़ वगैरह कितने मज़े के लग रहे हैं,
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने इन पे फुल फोकस किया हुआ था। फुल जूम करके मैं ये पहाड़ ही दिखा रही थी, और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। मुझे तो प्लांट्स वगैरह वैसे भी पसंद है। आपको मैंने कुछ व्लॉग्स में अपने प्लांट्स वगैरह थोड़े बहुत एक दो करके दिखाए, तो आप लोग अगर सारे व्लॉग्स देखते हो तो पता होगा कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। हमारे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांटेशन का हम सबको बहुत ज़्यादा शौक है, गार्डनिंग का। और ये ग्रीनरी देख के तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। बस अभी हम थोड़ी देर तक पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज के आगे से गुजर रहे हैं। अभी यहाँ आगे पार्क वगैरह भी आने वाला है। इस पार्क में हम बहुत दफ़ा आए हुए हैं और आज भी हम यहाँ पर मे बी विज़िट करें ये वाला पार्क। आपको पता है कि इस्लामाबाद में हर सेक्टर में एक पार्क, एक मस्जिद और एक स्कूल तो मस्ट है। अभी हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। और छत पर हमारे हुए जिधर हम आए थे उनके नेबरहुड में ना, उन्होंने छत पर रखा हुआ एक डॉग, ठीक है। अब जो इनके ओनर हैं डॉग के, उनको नहीं पता कि हम उनके डॉग को तंग कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने ना छत पे फुल उसके लिए स्विंग्स वगैरह भी रखे हुए हैं। हम उसके ऊपर ऊपर से टिश्यू वगैरह फेंक रहे थे और वो समझ रहा था कुछ खाने का, वो तो खा भी रहा था टिश्यू को। हमने पत्ते फेंके तब भी वो मुंह खोल रहा था, अभी भी उसने मुंह खोला, और इतना थोड़ा सा उसमें और हम में फासला था, ये जो आपको नज़र आ रही है वॉल, बस इतना ही फासला था। और अगर वो उछल के हमारे घर पे आ जाता ना, जहाँ पर मतलब हम गए हुए थे उस छत पर आ जाता, तो हम सब का तो बुरा हाल हो जाना था। अब ईश्वर नीचे उतर ही हैं और बस अब हम वापस आ चुके हैं, जो हमारा काम था वो हम कर चुके हैं। पार्क वगैरह हम लोग गए, बट पार्क में कुछ इतना अमेजिंग नहीं था। मतलब आप लोगों ने भी तो पार्क देखा हुआ ही है। मैं सोचती हूँ कि आपको कोई ऐसी जगह दिखाऊँ जो आपने मतलब ना देखी हो, तो पार्क तो हर किसी ने देखा हुआ है, तो इसीलिए वो मैंने इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया। वैसे उस जर्मन शेफर्ड के साथ मज़ा बहुत आया। जहाँ पर हम गए हुए थे उन्होंने नहीं रखा हुआ था, बल्कि उनके नेबरहुड में था। उन्होंने जो उनके नेबर्स थे, उन्होंने 3 डॉग्स रखे हुए ना, एक छत पर, एक बैक साइड पर और एक फ्रंट साइड पर। और अभी बस हम घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए। आपको पता है कि सुबह निकलो, फिर थोड़ी देर रेस्ट करो, पूरा दिन हमने गुजारा, अभी शाम का टाइम हो चुका है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं तो थोड़ा थके हुए भी हैं, लेकिन मैं आपको सारा व्लॉग वगैरह बना के सारा व्यू दिखाऊंगी, जैसा कि हमेशा से मैं आपको दिखाती हूँ। हम जहाँ जाते हैं आप हमारे साथ जाते हो, बिकॉज़ यू आर आवर यूट्यूब फैमिली। हमारी 2 फैमिलीज है, एक यूट्यूब फैमिली और एक जो हमारी अपनी फैमिली है। अभी सनसेट का टाइम और सन इतना अमेजिंग लग रहा था। और एक और बात, आप लोग कमेंट में बताना कि कौन कौन रास्ते में बहुत स्नैक्स खाता है। हम लोग तो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो ना, हमारी तो हमेशा से आदत है कि हम लोगों के पास स्नैक्स होते हैं। हमें हमारे फादर ले देते हैं पूरे रास्ते, हम लोग वो स्नैक्स इतने होते हैं कि हम लोग पूरे रास्ते खा सकते हैं वो। और अभी से जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको सन, और अच्छा लग रहा है। ये वाला व्यू तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये मुझे मतलब रियल आई से तो इतना अमेजिंग लग रहा था, लेकिन कैमरा में भी ये अच्छा लग रहा था। ये जो बीच में साउंड मैंने मतलब म्यूट किया होता है, तो आप लोग समझ रहे होंगे आपके फ़ोन का इशू हो गया। नहीं, आपके फ़ोन का इशू नहीं है, ये मैंने खुद म्यूट किया हुआ है। वैसे मैंने साउंड लगाना था, बट वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता, दैट्स वाई मैंने इसको बिल्कुल ही बंद रखा हुआ है। वैसे मैंने इसके पीछे साउंड लगाना था, क्योंकि साउंड से ज़्यादा मज़े का लगता है, बट विदाउट साउंड भी ये अच्छा लग रहा होगा। तभी मैं ज़्यादा बातें वगैरह भी करी ताकि आप बोर ना हो, बट क्या करें, कॉपीराइट क्लेम आ जाता, दैट्स वाई साउंड मैं इतने ही यूज़ करी। सो, अभी फिर से हम मोटरवे पर आ चुके हैं, ठीक है। और अभी आप पीछे देखो कि हाउसेज है, और उनके हाउसेज वगैरह कह रही हूँ, ये शॉप्स वगैरह हैं, उनके पीछे आप देखो तो सन कितना अमेजिंग लग रहा है, येलो येलो का कलर का, और इतना मज़े का इसका शेड है कि सारे क्लाउड्स में भी वो शेड आया हुआ है। अभी आप दूर से देखो तो कितना अमेजिंग लग रहा है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू लगा। स्काई भी थोड़ा पर्पल पर्पल हो गया, और क्लाउड्स में भी इसका थोड़ा शेड आया, तो क्लाउड्स भी इतने अच्छे लग रहे थे। सन तो वैसे भी अमेजिंग ही लगता है, रोशनी जो देता है सबको। अभी आप स्काई देखो कितना अमेजिंग लग रहा है, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में या फिर कार्टून्स में इतना शेडेड स्काई होता है,
इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप सभी माशाल्लाह बोलना, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए अभी मेरा मेन फोकस जो है वो इसी चीज़ पर था। इतना प्यारा स्काई है, पर्पल पर्पल सा शेड है, येलो येलो सा शेड है, और इतना अमेजिंग सा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? अभी देखे रात हो रही है, मगरिब का टाइम हो चुका है, और कुछ इस तरह का व्यू हुआ है। पहले आप स्काई देखो और अभी के स्काई को देखो, ये साइडों पे पहाड़ वगैरह, अभी भी हम मोटरवे पर ही हैं, और अभी तो बहुत देर है घर पहुंचने में, तो अभी बैठे हुए बस हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे होगे आई होप। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये सारे पहाड़ वगैरह हैं, और अभी के स्काई और पिछले स्काई को देखकर तो बहुत ही डिफरेंस पता चल रहा है, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। और अभी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अभी बारिश लगेगी, लेकिन बारिश लगी नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो कि रात होने ही वाली है, अब अंधेरा हो रहा है वक्त के साथ साथ, तो वो फिर ज़्यादा अंधेरा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और अंधेरे में व्लॉग अच्छा भी नहीं बनेगा, सारा अंधेरा ही अंधेरा आएगा। सो यही था आज का व्लॉग, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट भी ज़रूर करना, और मैं रिप्लाई भी दूंगी, और बहुत जल्द मैं कमेंट सेशन करने वाली हूँ। सो अच्छा सा कमेंट लिख देना, ठीक है, और मैं रिप्लाई दूंगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड अल्लाह।